बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंटर 2003 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर थ्री है। ये कह रहा है, अ डेब्ट ऑफ डॉलर 3,726 रीपेड बाय वीकली पेमेंट्स व्हिच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना कर्ज है 3,726 रुपये का जो वीकली पेमेंट्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जा रहा है, यानी हमारे एपी होगा यकीनन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। द फर्स्ट पेमेंट इज डॉलर 60, फर्स्ट पेमेंट डॉलर 60 है, एंड द डेब्ट इज फुल्ली पेड आफ्टर 48 वीक्स, यानी 48 वीक्स के बाद फुल्ली डेब्ट पे हो जाता है। तो इसका मकसद ये कि एन जो है वो 48 है और एस एन सम यही करता था 3,726 डॉलर, तो 3,726 एस एन आ गया। अब फाइंड द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म मालूम करना है। थर्ड टर्म के लिए देखिए, थर्ड टर्म बराबर होता है हमेशा ए थ्री बराबर होता है ए प्लस 2d से। ए तो मिला हुआ है, हमें डी चाहिए, तो डी हम इससे मालूम करेंगे। हमें पता है कि एस एन सम ऑफ एन टर्म्स हमेशा होता है एन अपॉन टू, और 2a + n - 1 × d। इससे मालूम करेंगे एस एन है 3,726, एन 48 है, 48 अपॉन 2, 2a 2 × 60 + 48 - 1 × d। हमें डी की ही वैल्यू चाहिए, डी की मिल गया तो ए थ्री, तो हमें ए प्लस 2d आ जाएगा। ये देखें, ये हमारा बना हुआ है पहले से, तो ये हो जाएगा 3,726 = 24। 48 को 2 से डिवाइड, 24 ये आ जाएगा 120, और प्लस ये आ जाएगा 47d, सॉरी मैं 49 लिख दिया, 47d। 24 इसको डिवाइड करेंगे, 3,726 / 24 = 120 + 47d। 3,726 को 24 से डिवाइड करें तो ये आता है 155.25, और प्लस 120 तो आ जाएगा -120 = 47d। तो आप देखें, 155.25 - 120, ये हमारा आ जाएगा 35.25 = 47d। तो डी आ जाएगा 35.25 / 47, तो डी हमारा आ जाएगा 0.75, डी आ गया 0.75 डॉलर्स। अच्छा, अब देखिए 0.75 आ गया, तो ए थ्री चाहिए हमें। ए थ्री बेसिकली होता है ए प्लस 2d के, ए तो है 60 + 2 × d है 0.75, तो ये अगर आप करें तो यह आ जाएगा 60, 0.75 + 2 यह आता है 1.5, 1.5 के, तो यह आ जाएगा 61.50 डॉलर्स के। यानी थर्ड पेमेंट जो है ये डॉलर्स है, थर्ड पेमेंट जो है 61.5 डॉलर्स की है, यानी 61.50 इज द आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 6, यानी ए 6 है, एंड हुज सेकंड टर्म इज 4। फर्स्ट टर्म 6 है और सेकंड टर्म 4 है और इन्फिनिटी तक है, तो आप इसका देखें। फर्स्ट टर्म कहता है कि 6 है, यानी ए 6 है, और सेकंड टर्म ए 2 जो है वो 4 है। तो जारी बात है, आर हमेशा क्या होगा, ए 2 को ए से डिवाइड करते हैं, ये 4/6, तो ये आएगा 2/3, यानी वाकई कन्वर्जेंट है कि देखें इसकी वैल्यू आर की 1 से कम आ रही है। अब एस सम टू इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 - आर, तो एस आ जाएगा ए की वैल्यू 6 / 1 - 2/3, तो एस आ जाएगा 6 / 3 - 2/3, तो ये आ जाएगा 6 / 1/3, तो 6 / 1/3 हो जाएगा 6 / 3, तो यह जाएगा 18 के, तो सम इसका 18 हुआ।